उत्तर प्रदेश के आगरा में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री मनोज के ब्रज प्रांत में तिरंगा यात्रा निकाले जाने के ऐलान के बाद से शहर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। कासगंज के बाद ब्रज प्रांत में कहीं तिरंगा यात्रा को लेकर किसी तरह की कोई अनहोनी न हो, इस आशंका के चलते शहीद स्मारक से लेकर कलेक्ट्रेट तक चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा लगाया गया है। पीएसी मजिस्ट्रेट फायर टेंडर को भी तैनात किया गया है। इस तिरंगा यात्रा में विश्व हिंदू परिषद के अलावा बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच सहित तमाम हिंदूवादी संगठन शामिल होंगे। कासगंज में तिरंगा यात्रा पर हुए हमले के बाद विश्व हिंदू परिषद के मनोज ने ब्रज प्रांत में शहीद स्मारक से एमजी रोड होते हुए कलेक्ट्री तक तिरंगा यात्रा निकाले जाने की बात कही थी, जिसके बाद से बुधवार सुबह तड़के ही शहीद स्मारक को जहां छावनी में बना दिया गया तो वहीं एमजी रोड से लेकर कलेक्टर तक पुलिस बल और पीएसी मजिस्ट्रेट के साथ जगह जगह भारी सुरक्षा लगाई गई है। आपको बता दें कि शहीद स्मारक पर इस समय विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच जैसे तमाम हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो गया है और सभी के हाथों में तिरंगा यात्रा लहरा रहा है। वंदे मातरम और भारत माता की जय से संजय प्लेस क्षेत्र गुंजायमान हो रहा है। हजारों की संख्या में हिंदूवादी कार्यकर्ता शहीद स्मारक से एमजी रोड होते हुए कलेक्ट्री पहुंच रहे हैं। इस दौरान किसी तरह की कोई अनहोनी न हो, इसे देखते हुए पुलिस और प्रशासन लगातार अपनी तीसरी नजर बनाए हुए है। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री मनोज ने कहा है कि आप खुद ही देख सकते हैं कि इस तिरंगा यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में कितना जोश है। उन्होंने कहा कि हम सीएम योगी के साथ हैं, उन्होंने प्रदेश में सुशासन लाने का जो वादा किया था वह हम पूरा करके दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश से फरहान खान की रिपोर्ट। अभी तक संज्ञान में नहीं है कि इसके बारे में कोई परमिशन ली गई है और शांति व्यवस्था के मद्देनजर हम लोगों ने पूरे पर्याप्त पुलिस बंदोबस्त कर रखा है। धारा 144 लागू है, ऐसे में इतनी संख्या का जुटना और तिरंगा यात्रा निकालना क्या मानते हैं? जो भी विधि कार्रवाई है वो हम करेंगे, शांति व्यवस्था के मद्देनजर हम लोग सतर्क हैं। श्रद्धांजलि यात्रा है, शहीद को चंदन शहीद हुआ है उसको श्रद्धांजलि है। योगी जी के साथ मिलकर यह श्रद्धांजलि कार्यक्रम पूरे प्रांत में हो रहे हैं और हमारा संकल्प है सुशासन का, उस संकल्प के साथ में हम खड़े हैं और चंदन को शहीद की उपाधि मिले, आज श्रद्धांजलि देकर राष्ट्रगान बोलकर हम अपनी अभिव्यक्ति जाहिर करेंगे।